के मन में डर क्यों है? 2024 के चुनाव में भी शायद फिर एक बार हार देखनी पड़ेगी, इसका डर इनके मन में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर निर्माण का कार्य, ये तब भी राजनीतिक नहीं था, आज भी राजनीतिक मुद्दे का सवाल नहीं। राम जन्मभूमि अभियान जो 4 दशकों से चला या उससे ज़्यादा समय से चला, उसका श्रेय राम मंदिर का जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अशोक सिंगल जी, रतंबरा जी, कोठारी बंधुओं का एक प्रकार से शहादत, इन सभी नामों से व्याप्त है। तो जब अपने आप को राजनीतिक मुद्दे में घुसने की आदत शिवसेना को है, उसके कारण इसमें भी कहीं पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सामान्य भारतीय के जेब से स्वेच्छा से एक एक रुपया आकर अगर राम मंदिर बनता है तो जनता का राम मंदिर है। जिनके पेट में दर्द राम मंदिर के पाया भरनी के कार्यक्रम में भी हुआ था, उन्हीं के आंखों में आज तकलीफ हो रही है जब जनता के मदद से राम मंदिर बन रहा है। मुझे लगता है इनकी आदत शिवसेना की खुद की पार्टी बीएमसी के कंत्राटदारों के जान पर चलाने की है। उनको सामान्य नागरिक के स्वेच्छा निधि से मंदिर निर्माण कार्यक्रम में विरोध स्वाभाविकता होगा, लेकिन वो राजनीतिक भले ही करे, हम जनता को आह्वान करते हैं कि राम मंदिर किसी एक धनिक व्यक्ति, पार्टी या संस्था का नहीं होगा, ये सामान्य नागरिक के निधि से होगा और उस काम में समर्थन दें। मुझे लगता है पहले शिवसेना ने राम मंदिर के पाया भरनी कार्यक्रम में अड़ंगा डालने का प्रयास किया, कहाँ ई मॉडल पर हो, ई तरीके से हो। आज जब मंदिर निर्माण के कार्य में स्वेच्छा निधि से नागरिक जुड़ रहे हैं तो उसमें अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। शिवसेना राम विरोधी भूमिका लगातार ले रही है, ये जनता देख रही है।